दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली दोस्तों जो हमारी बाइक या मोपेड या स्कूटी हो, ज़्यादा दोस्तों पुराना कार्बोरेटर हो जाता है तो उसमें अक्सर करके ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों ओवर की। अगर दोस्तों हमारी गाड़ी चल रही है और चलते चलते हमारी गाड़ी ओवर होने लग जाती है, जब तक तो हम तेल बंद ना करें, जब तक इसका पेट्रोल बंद नहीं होता है, तो आप देख रहे होंगे इसमें ये हमारे पास जो ये बाइक खड़ी है, इसके हम पेट्रोल जैसे ही ऑन कर देंगे और इसका पेट्रोल ओवर होना शुरू हो जाएगा। देखो अभी आपको दिखाते हैं, इसमें फिर देख रहे होंगे पेट्रोल खोल देंगे तो इसका ओवर चालू हो जाएगा और पेट्रोल को ऑफ़ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अक्सर यही प्रॉब्लम आती है बाइकों में जब भी पुराना हो जाता है दोस्तों कार्बोरेटर। और दोस्तों आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, अगर आपका कार्बोरेटर जो है पुराना है और आपको अपने फ्लूड पिन वगैरह डलवा के देख लिए हैं और ये ओवर हो रही है, ओवर होना नहीं बंद हो रहा है दोस्तों, तो अब क्या होता है कि हमने सारा काम कर लिया, इसमें फ्लूड पिन नया डाल ली, बेर कार्बोरेटर साफ़ कर लिया, लेकिन तब भी ओवर बंद नहीं हो रही है, तो हमको दोस्तों नया कार्बोरेटर के सिवा और कोई चारा नहीं दिखता है, तो हमको इसमें नया कार्बोरेटर डालना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप पुराने कार्बोरेटर को ही सही कर सकते हैं, नया डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो ओवर है वो बंद हो जाएगी दोस्तों। तो बने रहें वीडियो के साथ दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप इसके कार्बोरेटर में दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है अगर ये पाइप अगर यहाँ पर ना लगी हो, कभी कभी हमारा इंजन जो चलते में हीट हो जाता है और गाड़ी जो है ओवर करने लग जाता है दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है इसमें। जैसे इंजन गर्म है और इस पर पेट्रोल गिरे तो बहुत सारा नुकसान इसमें हो सकता है, बहुत सारी दिक्कत आ सकती है इसमें। तो मैं आपको दिखाऊंगा पुराने कार्बोरेटर में कैसे आप इसको सही कर सकते हैं। तो इसका हम कार्बोरेटर को पहले तो बाहर निकालते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे ये सही होगा, ठीक है। तो कार्बोरेटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमने इसका कार्बोरेटर निकाल लिया है और इसके देख रहे होंगे हमारे हाथ में कार्बोरेटर लगा हुआ है। और दोस्तों अगर आपके पास अगर आपने इसमें देख रहे होंगे, अगर मैंने कार्बोरेटर खोला है और अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम इसमें फ्लूड पिन नया डाल देते हैं तब भी इसमें जो इसका जो ओवरफ्लो बंद नहीं होता है। तो दोस्तों क्या क्या चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी, तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ, अगर आपने ये सारी चीज़ें कर दी हैं तब उस भी जो अगर बिल्कुल ही आपका कार्बोरेटर ख़राब है तो वो भी मैं आपको सही करके बताऊंगा। दोस्तों देख रहे होंगे हमारे हाथ में ये फ्लूड जो लगा हुआ है प्लास्टिक का, तो कभी कभी क्या होता है ये कहीं से टूट जाए या चटक जाए तो इसमें क्या दोस्तों पेट्रोल पूरे में भर जाती है। तो आप इस भी चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कहीं आपका फ्लूड ख़राब तो नहीं है, इसमें पेट्रोल तो भरा नहीं है, पेट्रोल का भरा होता है तो ये अलग से ही दिख जाता है दोस्तों। और दोस्तों और फ्लूड पिन में मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर फ्लूड पिन अगर आपकी कटी हुई है तो इसके जो मुँह पर देख रहे होंगे इसमें ब्लैक कलर की, इसमें एक रबड़ होती है, किसी में ब्लैक किसी में रेड, तो ये भी अगर कहीं से आपको कटी या दिखे तो आप इसको फ्लूड पिन को भी नया चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बारीकी से आपको देखना है इस फ्लूड पिन को, कहीं से ये कटी हुई तो नहीं है। अगर दोस्तों आपने फ्लूड जो है प्लास्टिक का ये नया डाल दिया है तो भी ये दिक्कत आ रही है, फ्लूड पिन भी आपने वो नया डाल दिया है तो आप कैसे इसको सही करेंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसको कार्बोरेटर को, तो इस कार्बोरेटर में जो अंदर होल है मैं दिखाता हूँ आपको, फ्लूड पिन जो बॉडी होती है फ्लूड पिन की, तो यहाँ गौर से देखिएगा, इसमें एक सुराख दिखाई देगा अंदर बॉडी में फ्लूड पिन जो यहाँ पर लगती है। तो आपको वो क्या करना है, इसको पहले तो आपको बिल्कुल देखना है बिल्कुल क्लीन है कि नहीं, कोई कचरा वगैरह यहाँ पे इसके मुँह पे अगर होगा तब भी आपकी जो बाइक है ओवर होगी। अगर कोई कचरा नहीं है दोस्तों तो आपको एक स्लाइड जो है ऐसी देख रहे होंगे, स्लाइड लेनी है और स्लाइड में जो पिन लगी होती है देख रहे होंगे, कोई ख़राब स्लाइड देख लें तो स्लाइड की जो पिन होती है इसको आप निकाल लें, इसमें स्लाइड किसी भी बाइक की हुई कोई दिक्कत नहीं हुई स्लाइड में, तो आपको स्लाइड की जो नुकीली जो साइड जो होती है तो उसको आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आपको। दोस्तों ये हॉल आप देख रहे होंगे, इसमें हॉल में इसको डालना है, ठीक है। और जो एमरी जो होती है आप देख रहे होंगे, जो एमरी जो आती है जो हम जिसमें बाल वगैरह हमारे जो सेट होते हैं हेड में जो हम करा के लाते हैं, तो थोड़ी सी आपको एमरी लगा करके ऐसे करके इसको घुमाना है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, जैसे हम बाल बनवाते हैं वैसे ही ये अगर हम एमरी से इसको करेंगे तो अंदर जो भी जो हमारी बॉडी होगी अंदर कटी हुई तो बिल्कुल वो हैगा, उसका जो है साइज बिल्कुल सही हो जाएगा और बिल्कुल वो प्लेन हो जाएगा अंदर से, अगर कोई निशान वगैरह इसमें होंगे, अगर फ्लूड पिन आपकी काम नहीं कर रही हो तो आप ऐसे अगर करोगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में पिन है, आप पिन की जगह पर कोई चोबा वगैरह भी कील वगैरह भी ले सकते हैं, इसको बिल्कुल आप इसको मुंह बना करके प्लेन इसका रख सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपकी जो बाइक है वो कभी भी ओवर नहीं होगी और आपका जो कार्बोरेटर नया बच जाएगा, पुराना ही कार्बोरेटर ये काम कर जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे ट्रिक आजमा के देखें, मैंने ये बहुत बार किया है, जो पुरानी जो कार्बोरेटर है वो सही हो जाते हैं अगर आपके ओवर की प्रॉब्लम कार्बोरेटर में है तो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए नया बदलना ही पड़ेगा, ऐसे एवरेज वगैरह ना दे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।